उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती के साथ हुए अत्याचार पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को चुप्पी तोड़ी है। आपको बता दें कि हाथरस की इतनी बड़ी घटना पर हुई लापरवाही और उसके बाद जिस तरह प्रशासन का रवैया रहा है, उससे योगी सरकार निशाने पर आ गई है। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आखिर किस बात की पर्दादारी है, आखिर योगी सरकार बलात्कारियों और हत्यारों को बचाने का प्रयास क्यों कर रही है। ऐसे आरोपों से घिरने के बाद सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। उन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा व विकास हेतु संकल्पबद्ध है। हमारा संकल्प है, वचन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाथरस के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हाथरस प्रशासन ने इस पूरे मामले को हैंडल किया है, उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं और जल्द ही कार्रवाई के आसार हैं। इससे पहले हाथरस के डीएम का एक कथित वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो पीड़िता के परिजनों को अपना बयान बदलने के लिए दबाव बनाते दिखाई दे रहे हैं। हाथरस में पीड़िता के गांव की चारों तरफ से घेराबंदी की गई है। पीड़िता के परिजनों को किसी से बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। गांव के अंदर ना मीडिया जा सकता है और ना ही कोई नेता। यहां तक कि गांव वालों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी बीच गांव से छिपकर मीडिया के पास आए एक लड़के ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़के ने कहा कि पीड़िता के घर वाले मीडिया से बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें घर में कैद कर दिया गया है। सबके मोबाइल छीन लिए गए हैं और उसके ताऊ की छाती पर लात मारी गई है। शुक्रवार को टीएमसी के कुछ सांसद पीड़िता के परिवार से मिलने हाथरस जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया। मिलने की जिद पर अड़े टीएमसी सांसदों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है। इस दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन जमीन पर गिर पड़े। प्रतिनिधि मंडल में मौजूद महिला सांसदों से भी धक्का मुक्की की गई। इससे पहले गुरुवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने रोक दिया था। उनके साथ हुई धक्का मुक्की में राहुल गांधी भी जमीन पर गिर पड़े थे। आपको बता दें कि 14 सितंबर को हाथरस की एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने युवती की जीभ काट दी थी और उस पर जानलेवा हमला भी किया था। वारदात के बाद वह एक हफ्ते से ज्यादा बेहोश रही थी। हालत खराब होने पर किशोरी को एम्स दिल्ली ले जाया गया, जहां मंगलवार की सुबह लगभग 4 बजे उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद से पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।